मुर्दाबाद मुर्दाबाद अज तरन तारण जिले के शहीद भगत सिंह नौजवान सभा वालों काफ़ी व्डा कट करके जिले के डीसी मंग पत्र देन जा रहे हैं। जिदा कैप्टन सरकार ने नौजवानों वादा किया कि मेरी सरकार बना दौ, मैं तू घर घर नौकरी और बेरोजगार भत्ता और कई तरह के इस तरह के वादे जोड़े लाए गए थे। वो अज नौजवान सारे कट्ठे होकर तो अपने डीसी जरा मंग पत्र देन जा रहा है। वो संबंध में साढ़े नाल मौजूद है जिले के आगू सुखदेव सिंह जी जवंधा, उन्होंने को आप पूछते हैं भी अज का जो इकट्ठ किस संबंध में किया गया जी। हाँ जी, की नाम जी अपना? मैं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा सूबा कमेटी मैंबर सुखदेव सिंह जवंधा। असी अज जिले के तरन तारण जिले के जोड़ा नौजवानों की जोड़ा कट किया डीसी तो रुजगार के संबंधी मंग पत्र देन लई आपां सारयां नूं पता इस गल दा नौजवानां नूं कि कैप्टन सरकार जदों सत्ता च आई आ इन्हें नौजवानों नाल बहुत वादे कीते सी कि घर घर मैं नौकरी दऊंगी ते जिहड़े स्मार्टफोन देने असी जिन्ना चिर असी नौकरी नहीं दे सकते उन्ना चिर असी बेरोजगारी भत्ता जिहड़ा 2500 रुपया महीना देवांगे, नाल इन्हां ने लैपटॉप देण दे ते विद्या जिहड़ी आ फ्री पूरी जिहड़ी आ विद्या फ्री देण दा वादा कीता सी। उहदे चों आपां वेख्या कि नौजवान जिहड़े विदेशों वल भज रहे आ इत्थे कोई रुजगार नहीं आ, नशियां ते कोई ठल नहीं पाई गई, नशियां दे नाल असीं देखदे कि हर रोज़ जिहड़े नौजवान अखबारां दीआं जिहड़े खबरां बन रहे आ, हर रोज़ नौजवान जिहड़े मर रहे आ टीके ला ला के, इस करके होर समाजिक करीतियां जिहड़ियां नौजवानों दे विच जिहड़ियां आ रहीआं कि लुट्टां खोहां वध रहीआं, उह सारा ही असीं मन्नदे आ कि बेरोजगारी दा कारण आ। तो इस करके असी लगातार शहीद भगत सिंह नौजवान सभा वालों पूरे पंजाब के अंदर जिहड़ा ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं ते अज असी इस संबंध के सरकार में एक बार दोबारा फिर गुहार लाई आ कि तुसी आ जिहड़ा वादा नौजवानों के नाल कीता सी, नौजवान अज भी साढ़े चार साल ताडे सरकार दे बीत गए, नौजवान अज भी ताडे वादे की उडीक विच आ, नौजवान बिल्कुल महंगाई की मार विच हर तरह दबिया पिया, तो तुसी नौजवानों के रुजगार का कोई प्रबंध करो, नौजवानों जिहड़ा रुजगार दे लई कोई ऐसा जिहड़ी पॉलिसी जिहड़ा ऐसा कोई स्कीम बनाई जाए जिहदे नाल नौजवानों योग्यता अनुसार रुजगार जिहड़ा दित्ता जाए। जिदा देखा जाए पंजाब सरकार कोलों जिदा नौजवान नौकरी मंगने वास्ते जाते उन्होंने कुटिया जाता, सड़कों के लाठीचार्ज किया जाता, इहदे बारे तुहाडे की विचार है? ये असी वेखदे हाँ जी बेरोजगारी का जो सब तो वड्डा सबूत आ कि नौजवान जिहड़े आ जे कुछ असामियां निकलदियां ते लखां दे नाल नौजवान जिहड़े चले जांदे आ, इह सब तो वड्डा बेरोजगारी दा ही कारण आ, नौजवानां दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते बेरोजगारी आ ते रुजगार दा कोई भी प्रबंध सरकार कोल है नहीं, सारी मशकरी सरकार जिहड़ी नौजवानां दे नाल हर वर्ग नाल मशकरी कर रही आ। हाकम जिहड़ा वा उह अग लगी ते कहिंदा कि मैं पेट्रोल नाल बुझा रहा, उह गल आपां मन सकदे आ, मशकरी करदे आ नौजवानां दे नाल हर वर्ग नाल मशकरी करदे। इह सन साथी सुखदेव सिंह जी जवंधा। हुण साडे कोल सूबे के आगू साखी साथी सुलखन सिंह जी तोड़ा, उन्होंने पुछते हैं भी अज का जो प्रोग्राम है किस संबंध में। हाँ जी, मैं सुलखन सिंह तोड़ा शहीद भगत सिंह नवें सभा के सूबा मीत प्रधान हाँ। साड़ी शहीद भगत सिंह नवें सभा का नारा वा बराबर विद्या सेहत रुजगार सब का होवे ये अधिकार। असी शहीद भगत सिंह के विचार से कम करने वाली शहीद भगत सिंह नवें सभा जथेबंदी आ जिहड़ी सारे पंजाब दे विच शहीद भगत सिंह दे विचारां ते काम कर रही आ, क्योंकि शहीद भगत सिंह दे विचार सी मनुख दे हथों मनुख दी लुट खत्म करनी ते बराबर दे मौके सिरे जिहड़े इत्थे सारयां नूं देणे, क्योंकि अज जिहड़ियां साडे आजादी तों बाद साडे ते राज कर रहीआं सरकारां हाकम लोक आ उह जिहड़े साडे ते राज करन वाले टाटे बिरले आ जां अंबानी अदानी आ जिहड़े कारपोरेट घराणे उन्हां नूं साडे ते काबज करी बैठे आ, अज साडी जवानी जिहड़ी आ उह बेरोजगार होई फिरदी आ, अज साडे कोल सड़कां खोईआं जा रहीआं, अज साडे कोल जिथे साडे गरीब लोकां दे बच्चिआं पढ़ना स्कूल खोए जा रहे आ, साडे कोल हस्पताल खोए जा रहे आ, ते अज साडे पंजाब दे अंदर लगातार जिहड़ा नशे दा बोलबाला वा जवानी जिहड़ी आ नशे वल नशे खा खा के बर्बाद हो रही आ, जिहड़ियां साडे ते राज कर रहीआं सरकारां उहनां दा इस पासे नौजवानां वल कोई भी ध्यान नहीं गा, सगों उल्टी इहनां दी लुट कीती जा रही आ।
नौजवानों का शोषण किया जा रहा। आ पिछे पटवारियों की भर्ती कढ़ के करोड़ों रुपया सरकार ने जोड़ा वो इकट्ठा कर लिया, तो नौजवानों जो पटवारी भर्ती किया भी आ उन्होंने भी कुछ समय वास्ते अजे 5-5 हज़ार रुपया इन्होंने देना। इस करके जोड़े साडे नौजवान आ उन्होंने लगातार जोड़ा शोषण किया जाता। ये शहीद भगत सिंह नारायण सभा इस वर्तारे के खिलाफ सारे पंजाब के अंदर जी संघर्ष विढ़िया वा, लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आने वाले समय के तरन तारण जिले के कोई पिंड इदा का ना बजूगा जिड़े पिंड शहीद भगत सिंह नारायण सभा का संगठन ना हो, तो जिहड़ियां वोटां वाली धिरां उन्होंने भी असं सवाल करांगे, पुछांगे जो पिंडा च आउंदे आ साडे ते तुसीं राज कीता इन्ना चिर, साडे नौजवान अज क्यों बर्बादी दे, बेरोजगारी क्यों लगातार जिहड़ी आ वधदी जा रही आ, इहदियां जिम्मेवार तुसीं जो जदों भी वोटां वाली धिरां साडे आउण वाले समें च पिंडां वाले नहाउणा। तो आने वाले समय के शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा, उस दिन भी असीं जिहड़ा पिंडां तों सारे नौजवानां नूं लै के दिल्ली के जिहड़ा मोर्चा लगा उस उत्थे जा के शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा भी मनावांगे। इस तरह कई पिंडां दे विच बना के जिस तरह पहले सारे ही MLA अं तरन तारण जिले के MLA मंग पत्र याद पत्र दिते आ, बस ये लगातार जिहड़ा साडा संघर्ष जारी रहेगा। हुण असीं तरन तारण DC नूं जिहड़ा असीं मंग पत्र देण जा रहे हां, जिदां देखिया जाए तुसीं अज मंग पत्र जिले के DC नूं देण जा रहे हो नौजवानों की नौकरी से संबंधित, पर कैप्टन का लगातार प्रचार आ रहा भी मैं घर घर नौकरी दे चुका और पिंडा दे सम्राट संगरूर जिहड़े खोल चुका, ये बारे तुहाडे की विचार है? आ लोग सारे पिंडा तो आए आ, किसी भी नौजवान को कोई रुजगार भत्ता नहीं मिले, किसी भी पिंड कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, उल्टा सगो रुजगार मेले ला के लोगों का शोषण किया गया प्राइवेट कंपनी वाले सद के, कि जिहड़ा लोगों नौजवान नौजवान वेचा जा रहा जिस तरह डंगर दी मंडियां लगदियां, इस तरह नौजवानों का भी आने वाले समय के पिछले समय के भी शोषण किया, यह शहीद भगत सिंह नौजवान सभा विरोध करती है। धन्यवाद।